नमस्कार साथियों, इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो शेयर स्टडी करने जा रहे हैं वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की स्टडी है। दोस्तों, ये सिर्फ मैं स्टडी आपको आपकी नॉलेज बेस बता रहा हूँ। बाय करना आपका अपना सेल्फ डिसीजन है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप राय करके इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। दोस्तों, जो स्टडी लेते हैं हम, पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट जो मार्च 2023 की पोजीशन है कंपनी की, काफ़ी अच्छी पोजीशन देखने को हमें मिल रही है। कंपनी की जो लाइबिलिटीज आप देख रहे हैं 654.29 करोड़ की है। वहीं इसके मुकाबले जो कंपनी के एसेट बहुत अधिक हैं, यानी 1438.75 करोड़ की कंपनी की जो एसेट्स हैं हमें देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो होता है कंपनी के पास, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में 787.72 करोड़ का जो रेवेन्यू हुआ है, और मार्च 2023 में ये माइनस में रहा है। इसके अनुसार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, वो 102% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और यही नेट प्रॉफिट मार्जिन ले तो 73.02% का है, जो काफ़ी अच्छा जो मार्जिन है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 18.68% हमें देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 40.21%, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी है कंपनी का। जो रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर है वो 3.29 है। क्विक रेशियो है काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा हम जो कंपनी का समरी में जो इसने 52 वीक लो और हाई देख लें, तो जो लो बनाया है वो ₹116 के प्राइस पे रहा है, और जो इसने हाई बनाया वो 173 यानी ₹173 के प्राइस पर इसने हाई बनाया हुआ है। करंट पोजीशन पे जो शेयर अभी रन कर रहा है वो 147.85 है। कंपनी स्मॉल कैप की है, 12,529 करोड़ रुपए कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है। कंपनी में जो होल्डिंग है 60% इसमें जो होल्डिंग है रिटेल एंड अदर ने किया हुआ है। सर, पर एक बात नोट करने वाली है, इसमें 20% पैसा जो म्यूचुअल फंड का लगा हुआ है, और ये डे बाय हम डे देख रहे हैं। तो मार्च जून सितंबर के अलावा दिसंबर में जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने इसमें अपनी जो होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी 20.44% हो चुकी है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस शेयर में। इससे भी हमें पता लगता है कि इस शेयर के इन फ्यूचर में बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छा शेयर इसमें होल्ड करके रखा हुआ है, 13.37% है जो करंट दिसंबर 2023 की पोजीशन में। हालांकि मार्च में ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग थी वो 17.88% की होल्डिंग थी, जो लगातार दिसंबर में आते आते कम होती गई। पर हम इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपना जो होल्डिंग है उसको कम किया है। पर इसके मुकाबले जो म्यूचुअल फंड का हम देख रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों ने इसमें अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ा दिया है। तो इन फ्यूचर लंबे समय में इस शेयर में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी के अब हम जो फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल में हमने ये चीज़ें स्टडी कर ली। नेट प्रॉफिट जो आपको देखने को मिल रहा है लगातार कंपनी का अच्छा है। जो दिसंबर 2023 के हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है वो हमें 89.33 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है।
कंपनी की पोजीशन के हिसाब से 52 वीक लो हाई के हिसाब से अभी कंपनी में जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये शेयर की स्टडी पसंद आई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो साथी मेरे साथ मिलकर डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं, डीमेट अकाउंट लिंक दिया हुआ है। ये जो भी स्टडी मैंने की है ये अपस्टॉक के जो फ्यूचर मतलब ऐप है उसमें शेयर के जो फंडामेंटल वगैरह दिए गए हैं उस बेस पे आपको ये स्टडी करके दिखाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स।